हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से एक न्यू अमेजिंग वीडियो में स्वागत है। आज की ये वीडियो स्पेशली एनिमल्स के ऊपर यानी कि जानवरों के ऊपर होने वाली है, जिसको देखने के बाद आप खूब हंसोगे। जी हाँ, आज हम आपको जानवरों के ऐसे ऐसे कारनामे दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, भाई मजा आया। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आज तक हम सब ने सिर्फ इंसानों को ब्रेड खाते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जानवर ब्रेड खाते तो फिर ब्रेड कैसा बनता? चलिए आज हम आपको बता ही देते हैं। हाँ तो भाइयों, इसको बोलते हैं जानवरों वाला ब्रेड। वैसे ये कलाकारी तो हमारे भारत के लोगों की ही होगी, क्योंकि ऐसे दिमागदार लोग तो सिर्फ भारत में ही हैं यार। लेकिन यार मुझे एक बात का बहुत डर है कि कहीं ये वीडियो हमारे देश से बाहर ना चला जाए, वरना विदेश के लोग तो इस कारनामे को देख कर ही बेहोश हो जाएंगे। दोस्तों, डॉन के नाम से किसे जाना जाता है? अमिताभ बच्चन को और क्या, लेकिन यार वो तो फिल्मों के डॉन है। और आज हम आपको इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े डॉन से मिलवाने वाले हैं। जी हाँ, आप ही अपनी आंखों से इनके दर्शन कर लीजिए। हाँ तो भाइयों, आपको कैसे लगे हमारे डॉन सर? वैसे अच्छे ही लगे होंगे, क्योंकि ये डॉन तो अमिताभ बच्चन जी को भी फेल कर रहे हैं यार। इनके लिए एक लाइक तो बनता है गुरु। वैसे आपको इस कुत्ते की ये हालत देखकर क्या लगता है? मतलब अभी थोड़े दिनों पहले ऐसी हालत किसकी हो गई थी? चलो चलो बताओ बताओ मुझे। चलो आपके बस की बात नहीं है यार, मुझे ही बताना पड़ेगा। जरा इस कुत्ते को ध्यान से देखो, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले शाहरुख सर का लोन केस में बिल्कुल सटीक ऐसे ही फंसा था। आपको क्या लगता है, उदाहरण सही है ना, या फिर कुछ और आइडिया है आपको? कमेंट में बताना। वैसे आप कभी ना कभी सर्कस देखने तो जरूर गए होंगे, और आपने वहां पर लोगों के अच्छे अच्छे खतरनाक करतब भी देखे होंगे। लेकिन इस करतब के आगे तो सारे इंसान फेल है गुरु। जरा इन महान कलाकार को देखो तो सही यार। नहीं मतलब ये डिस्पोजल का बैलेंस तो ऐसे बना रहे हैं जैसे किसी सर्कस में काम करते थे यार, हद होती है। मतलब यार अब जानवर भी इतने होशियार हो गए हैं, वाकई में भारत आगे बढ़ रहा है। वैसे जैसे ही ठंड आती है तो मोहल्ले के लोग बाग एक जगह इकट्ठे होकर तप लगा देते हैं, और फिर बड़ी ही मस्ती के साथ अपनी ठंड उड़ाते हैं और काफी ज्यादा बातें भी करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इन कुत्तों का भी है। जरा आप इस बैठक को ही देखिए, मतलब यार अब कुत्तों को भी तप की जरूरत है, और सभी बैठे तो ऐसे हैं जैसे इनकी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही हो, और कुछ खास खास निर्णय भी लिए जा रहे हैं। मतलब यार अब कुछ भी। देखो यार, आज तक जेब्रे तो मैंने भी बहुत सारे देखे हैं भाई, रियल में नहीं मतलब टीवी और फोन में देखे हैं, क्योंकि अब जंगल में तो मैं गया नहीं हूँ। लेकिन यार अब ये कौन सी कंपनी का जेब्रा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा जेब्रा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। लगता है वैज्ञानिकों के किसी नए आविष्कार से पैदा हुआ है, वरना यार अब सादे जेब्रे तो ऐसी कलाकारी नहीं कर सकते। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। हर शख्स अपनी लुगाई से बहुत ज्यादा डरता है, और औरतें भी बेचारे अपने भोले भाले पतियों से घर के बहुत ज्यादा काम करवाती है। लेकिन यार वो तो सिर्फ पति तक था, अब तो पत्नियां बंदरों से भी काम करवाने लगी। जरा आप ही देखिए। अरे भाई हद होती है, कुछ तो रहम करो यार। और हाँ, जरा आप इस बंदर को ध्यान से तो देखो, ये कितने प्यार से काम कर रहा है। जैसे ये अभी यहाँ पर सब्जी की सफाई नहीं करेगा तो इसके बीवी बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। जरा आप इस मेंढक को तो देखो, मुझे तो लगता है कि ये मेंढक इस घेरे को लक्ष्मण रेखा और अपने आप को सीता माँ समझ रहा है, और बस अब रावण का आने का इंतजार कर रहा है कि कब रावण आए और मुझे किडनैप करके ले जाए। हाँ यार अब और क्या कहें इसके बारे में, नहीं मतलब हद होती है यार।
कुछ ऐसी ही कलाकारी ये भी है। अब यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये मुर्गा है कौन सी प्रजाति का, क्योंकि मैंने तो ऐसा स्टंटबाज प्रजाति का मुर्गा आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा और इस पूरी धरती पर नहीं देखा। कहीं आपने देखा हो तो कमेंट में बताना भाई। देखो सुबह सुबह ध्यान करना एक बहुत अच्छी आदत है और बहुत सारे लोग इसे करते भी हैं, लेकिन यार मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बस कहने की बातें हैं। लेकिन यार आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग करते हैं उनको देख देख कर अब कुत्ते भी ध्यान करना सीख गए हैं, जरा आप ही देखिए। मतलब अब कुत्तों को भी ध्यान की जरूरत है, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत ज्यादा और जल्दी आता है, इसीलिए ये अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। वाकई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इस कौवे को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी बीवी की बातें सुन सुनकर बेचारे का सर गर्म हो गया था, इसलिए यहाँ पर ठंडा करने आया है। हाँ मुझे तो यही लगता है। वैसे है, आपको क्या लगता है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है ना, या फिर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी ना तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ में एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, और कमेंट में ये भी बता ही देना कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, ताकि आपको देखने में आसानी हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और अमेजिंग और फनी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से इस रेड बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप उसे सबसे पहले देख पाएं। तो भाइयों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।